हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेघा स्टाइल फाइल। आज का रेसिपी है गिरमिट। ये एक फेमस नॉर्थ कर्नाटका स्ट्रीट फूड है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए करी लीव्स, कटे हुए और बिना कटे हुए हरी मिर्च, रफली चॉप्ड अनियंस और टमाटो, थोड़े से कोरिएंडर, फाइनली चॉप्ड अनियंस एंड टमाटोज फॉर गार्निशिंग एंड थोड़ा सा आधा से भी कम नींबू और मसाले में हमें चाहिए शुगर, सॉल्ट, जीरा, राई और हल्दी। फ्रेश एंड क्रिस्पी पफ्ड राइस। थोड़ा सा फ्राइड ग्राम और पुटानी पाउडर। अब मैं नींबू का रस लेकर इसमें सॉल्ट, शुगर और फ्राइड ग्राम का एक पेस्ट बनाऊंगी। मैंने इसमें एक छोटे चम्मच शुगर और स्वादानुसार नमक ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। एक्चुअली मेरा कैमरा ऑफ था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। और 2 टीस्पून तक मैंने इसमें पानी भी ऐड किया है। अब इसमें मैं 3 छोटे चम्मच फ्राइड ग्राम भी ऐड करूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते इसको एक पेस्ट बनाएंगे। हमारा पेस्ट अब रेडी हो रहा है। बस सॉल्ट और शुगर मेल्ट हो जाए इसलिए हम इसको साइड पे रख के गिरमिट के लिए एक मसाला प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। एक गरम पैन में लगभग 3 चम्मच तेल डाल के गरम होने के लिए रखेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें राई डाल देंगे। जब राई दर्द डिस्को करने लगे तो जीरा डाल देते हैं। थोड़े से कड़ी पत्ते, कटे हुए और बिना कटे हुए हरी मिर्च, रफली चॉप्ड अनियंस, अनियंस बन चुके हैं तो इसमें टमाटो ऐड करेंगे। बहुत देर तक इसको कुक नहीं करना है। एक छोटे चम्मच हल्दी डाल देंगे। बहुत ही कम मात्रा में सॉल्ट और शुगर ऐड करेंगे, सिर्फ अनियंस और हरी मिर्च के लिए। बाकी सारे तो हम पेस्ट में डाल चुके हैं। अब गैस ऑफ करेंगे और ठंडे होने के लिए 2-3 मिनट के लिए रखेंगे और जो हमारे बिना कटे हुए हरी मिर्च थे उसको साइड पे रखेंगे। मसाला थोड़ा ठंडा हो गया है तो इसमें पेस्ट ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे जो डीप बॉटम वाला है, कुछ ऐसा, ताकि जब हम जल्दी जल्दी से हाथ चलाते हैं इसको मिक्स करने के लिए तो वो बाहर आ जाते हैं
इसकी वजह से हमें ऐसा कुछ बर्तन चाहिए। अब हम इसको पफ्ड राइस में मिक्स करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी ही हाथ चलाना है, और इसको सर्व करने के बाद भी जल्दी ही इसको खाना है, नहीं तो जो इसमें पानी है उसकी वजह से ये बहुत जल्दी ही सॉफ्ट बन जाते हैं। वैसे तो ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनते हैं, तो सर्व करने के बाद बहुत जल्दी ही गायब हो जाते हैं प्लेट से पेट में। हमारा गिरमिट बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और सर्व कर लेंगे जो हमने चॉप करके रखे थे अनियंस, टमाटोज और कोरिएंडर के साथ, और फ्राई करके जो साइड पे रखे थे ग्रीन चिलीज उनको भी इसमें रख लेंगे। चाहे तो मिक्सचर भी डाल सकते हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।